उदाहरण 20, बहुपद 6x^2 धन 5x ऋण 6 का गुणनखंडन कीजिए। हल, बहुपद 6x^2 ऋण 5x ऋण 6 का हमें गुणनखंडन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी तुलना ax^2 धन bx धन c से करेंगे। यहाँ पे a का मान 6 है, b का मान ऋण 5 है और उसी तरह से c का मान ऋण 6। अब चूंकि a गुणा c बराबर 6 गुणा ऋण 6 बराबर ऋण 36 होता है, तो हम सबसे पहले ऋण 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ऋण 36 के संभावित गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं हम, एक गुणित ऋण 1 गुणित 36, ऋण 2 गुणित 18, ऋण 3 गुणित 12, ऋण 4 गुणित 9, ऋण 6 गुणित 6। सब में हमारे पास ऋण 36 प्राप्त होता है हो रहा है। उसी तरह से और देखते हैं जो संभावित गुणनखंड है वो है 1 गुणा ऋण 36, 2 गुणा ऋण 18, 3 गुणा ऋण 12, 4 गुणा ऋण 9 और 6 गुणा ऋण 6। ये हमारे ऋण 36 के संभावित गुणनखंड है। अब हम देखते हैं कि इन सभी गुणनखंडों में ऐसा कौन सा समूह है जिसका योग करने पर हमें ऋण 5 प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान से कहीं हम देखेंगे, हमारे पास हमने क्या किया, ऋण 36 के संभावित गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकालने के बाद हम यहाँ पे ऐसे समूह का योग निकालेंगे जिसका योग मध्यपद b बराबर ऋण 5 है। तो यहाँ देखेंगे हम ध्यान से कि 4 गुणा ऋण 9 जो है इसको कहीं हम योग करते हैं, इसका हम योग करते हैं 4 धन ऋण 9, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 5 जो कि मध्यपद b के बराबर है। तो हमें ये पता चल गया है कि जो हम मध्यपद का जो गुणनखंड तोड़ेंगे उसके लिए हमें प्राप्त हुआ है 4 धन ऋण 9। अब हम पुनः लिखेंगे 6x^2 ऋण 5x ऋण 6 जिसका हमें गुणनखंडन करना है बराबर 6x^2 ऋण धन ऋण 5 को हम लिख सकते हैं 4 ऋण 9 और बाहर में x ऋण 6 बराबर, हमने यहाँ पे ऋण 5 को 4 ऋण 9 के रूप में लिखा है जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद हम सबसे पहले इसका कोष्टक खोलेंगे मध्यपद का, तो धन 4x हमें प्राप्त होगा ऋण 9x ऋण 6। अब हम यहाँ पहला और दूसरे पद में समूह बना के 6x^2 धन 4x लिखते हैं और यहाँ से ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 9x धन 6 और इसको हमने कोष्टक में लिखा। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या हम यहाँ निकाल सकते हैं 2x, यहाँ से हम 2x निकालेंगे कोष्टक के बाहर से, दोनों पदों में ये
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ 2x को निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3x धन 2, और ऋण यहाँ से उभयनिष्ठ जो है वो 3 निकल जाएगा, तो ये ऋण 3 हो गया, और यहाँ बचेगा अपना 3x धन 2 बराबर। अब हमारा दो पद है 2x कोष्टक में, 3x धन 2 एक पहला पद, और दूसरा पद है ऋण 3 कोष्टक में 3x धन 2। दोनों पदों में हमारे पास 3x धन 2 उभयनिष्ठ है, इसे हम कोष्टक के साथ में बाहर ले लेंगे, तो दूसरा जो कोष्टक में हम लिखेंगे 2x ऋण 3 जो कि शेष बचा है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वह है 3x धन 2 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3, ये हमारा अभीष्ट गुणनखंड है।